फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जाएगा, इसको कैसे फॉर्म करेंगे, हम पहले तो जो है ना उसकी इक्वेशन लिखेंगे। देखो इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन फ़र्क है। इक्वेशन क्या होती है, किसी भी कर्व की इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, वो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि एनी ऑफ एनी पॉइंट। ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन इट, कोई भी कर्व है उसके पार, उसके ऊपर हमने पी पॉइंट ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो एक्स वाई में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उसकी इक्वेशन होती है। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, रवि ठीक ठाक? यस सर। हाँ, तो लाइन की जैसे क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, पैराबोला क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, है तो रिलेशन एक्स और वाई के बीच में। एलिप्स की क्या होती थी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वन, ऐसे होती हैं। तो यहाँ तुम देखोगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। पहली बात तो इक्वेशन को पढ़ो, फर्स्ट रूल क्या है, स्टेप क्या है, सी द इक्वेशन, इक्वेशन देखो। दूसरा स्टेप है उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, उनको काउंट करो, काउंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ हम ए को ए से डिवाइड कर दें, सी से डिवाइड कर दें, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है ना यहाँ पे ओनली वन ही रह जाता है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो हैं ए और बी, तो ये काउंट कर लेना अभी, काउंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, एक है दो है तीन है, कितने हैं। तीसरा, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन अप टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मैं फिर बता देता हूँ शुरू से, हम आज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जाएगा, बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, किसी ने पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो जब भी हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है, इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन मिलेगी एक्स और वाई में। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन फ़र्क है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है और डी वाई बाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल कोफिशेंट्स होते हैं। और इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी कर्व उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स और वाई में जो रिलेशन आता है वो उसकी कर्व की इक्वेशन होती है। उस कर्व पे कोई पॉइंट पी ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो इन एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है दैट्स द इक्वेशन ऑफ कर्व। और इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, उसका तरीका है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है वो काउंट कर लो, या तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हम काउंट कर लेंगे अपने विवेक से, या वो बताएगा वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो बता भी देगा, ना बताओगा तो हमने अपने विवेक से देख लेना है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर दो, और जो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है, चौथा स्टेप है, रिमूव
ऑल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। फ्रॉम द रिलेशंस सो फॉर्म्ड, जो डिफ्रेंशिएट कर करके नई इक्वेशन आएंगी उनसे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर देंगे, बस दैट्स द फाइनल। पहली बात तो इक्वेशन ले लो, अगर इक्वेशन नहीं है तो बनानी याद भी रखनी पड़ सकती है एक आधी की। इक्वेशन ले लो, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट काउंट कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो और उनको बाहर कर दो, जैसे तैसे गुणा भाग करके कुछ भी। अब हम एक एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे और सारे हो जाएंगे। देखो एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कहता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ ये कहता है a एंड b आर आर्बिट्रेरी, इसने लिख रखा है ऊपर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ए और बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बताओ बेटा। सर टू टाइम्स। पहले तो जो दिया हुआ उसका एक नाम रख लो, फिर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बाई ए में 1 बाई ए तो कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स का क्या होता है 1, वाई बाई बी में 1 बाई बी तो कॉन्स्टेंट हो गया और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 1 का क्या हो जाएगा 0। ये दो रिलेशन एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको सॉल्व भी कर लो। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है इसका क्या हो गया 0, 1 बाई बी मल्टीप्लाइड है ये तो न्यू का न्यू रहेगा, इसका क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये 1 बाई बी इधर आके 0 हो जाएगा, ये 3। अब इसमें देखो सारे अपने आप गायब हो गए ना, ना तो ए दिखाई दे रहा ना बी दिखाई दे रहा, तो दैट्स योर आंसर। ना तो इन तीनों का प्रयोग हमने करना पड़ेगा इनको बाहर करने के लिए, तो इसाइल और बाद में जुड़े मैं फिर बता देता हूँ, ज्योति भी जुड़ी है। बेटा आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तीसरी एक्सरसाइज में है, दूसरी को हम कल करेंगे, सॉल्यूशन की है वो, सॉल्यूशन को हम कल पढ़ेंगे। आज है फॉर्मेशन, इसको बनाया कैसे जाएगा, तुम्हें या तो रिलेशन मिलेगा या ये कोई याद रखना कोई इक्वेशन मिलेगी एक्स और वाई में, इक्वेशन मैंने समझा दी है वीडियो देख लेना। किसी भी कर्व की कोई इक्वेशन होती है, एक्स और वाई में रिलेशन होता है, ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व। अब इस इक्वेशन में यू हैव टू काउंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, जितने भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं उतनी ही बार थर्ड स्टेप में हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जितनी इक्वेशन आई 1, 2, 3 इनसे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो वी गेट आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हो गया पहला। दूसरा y स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं a और b, इसने शुरू में ही लिख रखा है फर्स्ट अपनी स्टेटमेंट में ही, तो इसका एक नाम रखें डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो फाई स्क्वेयर का क्या होगा 2y, और y का करते वक्त मैंने बताया था क्या लिखना है साथ में
डी वाई बाई डी एस। इसका कैसे करेंगे, ए तो कांस्टेंट ले लिया बाहर है, बी स्क्वेयर का क्या हो जाएगा जीरो, माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा टू एक्स, जो एक्स स्क्वेयर है इसका क्या हो जाएगा टू एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, दो से दो कट गया, वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स ए एक्स, ये आ गया दो रिलेशन। अब एक बार फिर डिफरेंशिएट करो, अब ये u इंटू वी माना जाएगा, y एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इधर हो जाएगा माइनस ए। ये आ गई इक्वेशन नंबर तीन। अब एक दो और तीन, इनका प्रयोग करते हुए हमने ए बी को बाहर करना है, तो जरूरी नहीं है सारी यूज हो, यहाँ देखो एक भी यूज नहीं हुई है, सीधा ही आंसर आ गया। यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें, इस ए की वैल्यू क्या रख देंगे, कहाँ रख देंगे दो में, तो यहाँ लिखेंगे इस बात को कैसे लिखते हैं हम, फ्रॉम टू एंड थ्री, ए की वैल्यू क्या आई है माइनस वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स गुणा होके उसका होल स्क्वेयर कर देगा। इस ए की वैल्यू यहाँ रख दो y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x बार है y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, ये आपका आंसर है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ जहाँ से शुरुआत की थी, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, मैंने बताया था दो पार्ट हैं, फॉर्मेशन और सॉल्यूशन, तो एक्सरसाइज नंबर दो सॉल्यूशन की थी, तो हम उसको कल करेंगे सॉल्यूशन के साथ ही। एक्सरसाइज तीन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फॉर्मेशन का लगभग क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसे बनाना होता है, हमें गिवन क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन फ़र्क होता है। इक्वेशन क्या होती है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पी है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं, तो इनमें जो रिलेशन होता है वो इक्वेशन कहलाती है। जैसे लाइन की ये थी, पैराबोला की ये थी, इलिप्स की, सर्कल की क्या होती है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो ये इक्वेशन है, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो तरीका मैंने क्या बताया था, पहले तुम्हें इक्वेशन मिलेगी, उसमें ये देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, या तो वो लिख देगा अगर दो हैं एक हैं, या हमने अपने विवेक से देख लेना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार डिफरेंशिएट कर देना है, फिर जो डिफरेंशिएटेड रिलेशन मिलेंगे और जो गिवन रिलेशन है इन की मदद से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देना, बाहर कर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, ए और बी इसने लिख रखा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो मैंने क्या किया, एक बार डिफरेंस, दो बार करना पड़ेगा इसको, एक बार किया
तो 1/a कांस्टेंट, x का क्या होगा 1, y by b का क्या होगा 1/b कांस्टेंट, y का 1, और y का जब हम करते हैं तो dy/dx जरूर 1 का हो गया 0। इसको सॉल्व कर लिया, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1/a का क्या हो जाएगा 0, 1/b साथ मल्टीप्लाइड है, dy/dx का क्या हो जाएगा d2y/dx2 0, 1/b इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया d2y/dx2 = 0, रिलेशन नंबर 3। अब यूजुअली क्या होता है, 3, 2 और 1 का प्रयोग करते हुए हमने ए बी को बाहर करना था, लेकिन हमने 3 तक पहुंचते पहुंचते क्या देखा, अगर ए और बी तो अपना आप गायब हो गए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें हम y² = a(b²-x²), ये है, तो यहाँ पे a और b अगेन दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार किया y² का क्या हो जाएगा 2y dy/dx, a बाहर है, b² का अंदर 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -2x। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, a को अंदर गुणा कर लिया, 2 से 2 काट दिया, ये रिलेशन आ गया। अब एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको u(v) मेथड से करेंगे, y as it is dy/dx का क्या हो जाएगा d2y/dx² +dy/dx as it is, और y का क्या हो जाएगा dy/dx = -ax का हो जाएगा -a, ये रिलेशन नंबर 3 आ गया। तो पहले पे हमने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 और 3 में क्या किया हमने, a की वैल्यू आ रही है, उठा के कहाँ रख दी, 2 में रख दी, तो a गायब हो गया, a b गायब होते ही जो रिलेशन मिलेगा दैट्स योर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे ख्याल में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये यस सर। ओके, एक तो समझ में आया बेटा। हाँ सर, थोड़ा समझ में आया। अच्छा, अब और क्वेश्चन करेगी जब समझ में आया, एक तो टाइमली ज्वाइन करा रहा बेटा। अब ये है सर, सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं। अब ये है हमारे पास, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करना, पहली जो इक्वेशन मिलती है उसका एक नाम रख लिया, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो जाएगा dy/dx, ए साथ में है, e3x का क्या हो जाएगा, ex का ex होता है ना, लेकिन 3x का फिर क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा b साथ में है e-2x, और e-2x का आगे क्या होगा -2x का -2, रिलेशन नंबर 2। ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? यस सर। डिफरेंशिएटिंग अगेन, क्योंकि 2 बार करना हमने डिफरेंशिएट इसको। d2y/dx² इसमें a और 3 तो कांस्टेंट हैं, और इसका क्या हो जाएगा e3x, और 3x का क्या हो जाएगा अगेन 3, प्लस b और -2, ये तो कांस्टेंट हैं, e-2x का ये एज इट इज, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये -2 × -2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, (9a e3x) +4be-2x, फिर देख लो रिलेशन था ये, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं ए और बी, हमने डिफरेंशिएट कर दिया dy/dx वाई का, इसका क्या होगा ए साथ में जो कांस्टेंट होता है वो न्यू का न्यू लिखा जाता है, ई एक्स का क्या होता है ई एक्स एज इट इज, लेकिन 3x का फिर 3,
ऐसे ही बी साथ में था ई माइनस टू एक्स का, ई माइनस टू एक्स और माइनस टू, ये बात समझ में आ गई। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तीन एक और आ जाएगा ऊपर से तो क्या हो जाएगा नाइन, और यहाँ पे फोर, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब मैं इन तीनों रिलेशंस को इकट्ठा लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू ए ई थ्री एक्स, यो दरवाजा बंद कर लियो, और डी वाई बाई डी एक्स को ना हम आगे y1 लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना फैशन है डी वाई बाई डी एक्स लिखना, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 लिखेंगे। ये कितना हो गया 3a, सर ये y डैश y डबल डैश लिख सकते हैं हम? हाँ y डबल डैश भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, और y1 और y2 भी लिख सकते हैं, कुछ राइटर हैं वो y डैश लिखते हैं, y डबल डैश लिख लेते हैं, y1 y2 भी लिख लेते हैं, तो अपनी अपनी आदत होती है। ये हो जाएगा माइनस टू बी ई माइनस टू एक्स, ओके, और तीसरा क्या था वाई टू नाइन ए ई थ्री एक्स प्लस फोर बी ई माइनस टू एक्स, ठीक है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये तीनों का प्रयोग करके हमने ए और बी को बाहर करना है। तो इसके लिए एक टेक्निक है, यहाँ पे हम ए ई थ्री एक्स, जैसे दसवीं में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, सर म्यूट हो गया आपका, अच्छा अब आ रही आवाज बेटा, हेलो आ रही आवाज जी सर? हाँ, तो कुछ जैसे वाई डैश लिख लेते हैं, वाई डबल डैश लिख लेते हैं, कुछ वाई वन और वाई टू राइटर्स है? तो कैसे भी लिख लो इसको, y2 भी यूज करते हैं, कुछ y1 भी यूज करते हैं, बहुत ही आ जाएगा, ठीक है, हाँ बैठो। तो यहाँ पे बेटा जैसे किसी को y डैश लिख लेता है, मैंने y1 लिख लिया, y2 लिख लिया, और इन तीनों को मैंने इकट्ठा ही लिख लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ लिया यहाँ बोर्ड, हरियाणा बोर्ड में भी आ लिया, सीबीएसई में भी आ लिया, चार नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किन्हीं दो इक्वेशन से ए ई थ्री एक्स की वैल्यू पूरी निकाल लो, और इसकी भी वैल्यू निकाल लो, और पहली वाली में रख दो, तुम्हारा जो है आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ नाइन है, यहाँ जैसे माइनस टू भी है, यहाँ फोर भी है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, दो से, दसवीं में करते थे ना एलिमिनेशन मेथड, भाई टू वाई वन सिक्स ए ई थ्री एक्स माइनस फोर बी ई माइनस टू एक्स, और नीचे वाली क्या है वाई टू नाइन ए ई थ्री एक्स प्लस फोर बी ई माइनस टू एक्स, एक माइनस का एक प्लस का, तो इनको ऐड कर लिया हमने, कट गए, ये आ गया टू वाई वन प्लस वाई टू, और नौ और छः कितना हो जाएगा पंद्रह ए ई थ्री एक्स, और टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई फिफ्टीन ए ई थ्री एक्स, एक तो वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है तुमने, तो अब की बार यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे सारी को, ताकि ये कैंसिल हो जाए अब की बार। तो पहले हम वाई टू वाली लिख लेते हैं, और इसको मैं तीन से गुणा करके लिखता हूँ, अब तीन थ्री वाई वन, तीन
को तीन से करोगे तो 9a e3x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6b e-2x। लाइट भी चला रही है। अब माइनस कर लो इसको क्योंकि हमने इसको काटना है, तो यहाँ आ गया y2 - 3y1 10b e-2x। तो 10 को इधर ले आओ, तो be-2x की वैल्यू आ गई, ae-3x की भी आ गई। इन दोनों वैल्यूज को कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, y = 2y1 + y2/15 + y2 - 3y1/10। अब यही आंसर है, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 10 का 30, तो 2 से 4y1, तो 2y2। यहाँ 10 30 को 10 से भाग रहे, 3 ऊपर 3y2 - 9y1 30y - 9y1 और 4y1 कितना हो जाएगा, -5y1, 2 और 3 कितना हो गया, 5y2 - 5y1। 5 से डिवाइड कर दो, 6y - y1। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, d2y/dx² - dy/dx 6y। एक बार फिर देखो, पहली रिलेशन मिल गया, ठीक है बेटा। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नोट कर लिए, जो बात समझ में आती जाइए सो बोले आ रहे सारे, ठीक है सर। ये समझ आ गई बात, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो कितनी कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार। पहली बार जो डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, अगर ए 7 था तो ये तो न्यू का न्यू लिखेंगे, e3x का क्या होगा, e3x यूं का यूं, और 3x का क्या हो जाएगा, 3। b 7 था e-2x का, तो -2 नीचे। ये बात समझ में आ गई, एक बार और करेंगे तो 3 से 9 हो जाएगा, ये 6 4 आ जाएगा, ओके। फिर मैंने इनको इकट्ठा लिख लिया, और पिछली दो और तीन थी, इनसे ae3x और be-2x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इनके कोफिशेंट इक्वल कर लो। पहले मैंने इनके इक्वल किए, ये 4b था तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो ये ऐड कर लिया, ae3x आ गया। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो be-2x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट में रख दी, इन में मत रख दिया, 2 और 3 में 0 हो जाएगा, नहीं था फर्स्ट में रख दी, 2 और 3 से वैल्यू निकाली, फर्स्ट में रख दी, तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है जी सर। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर मेरे पास एक बहुत ही जो है ना VIP पर्सन आए हुए हैं, पास में बैठे हैं मेरे पुराने साथी हैं, वो देख लो बेटा, कोई ना 2 दिन ला लें, हमारा तो बतेरा टाइम है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, सर 2 हैं, ठीक है, ए और बी 2 हैं, ओके। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, या तो थोड़ा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या u इंटू वी, ये u हो जाएगा तुम्हारा और ये v, ऐसे ही कर लो, dy/dx e2x as it is, इसका क्या हो जाएगा, 0 + b, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, + a + bx, और e2x का क्या हो जाएगा, e2x (2). ये बात समझ में आ गई,
डिफरेंशिएशन यस समझ सर में आ गया ना, यू इंटू वी ले लिया हमने, एक को यू, इतने को यू ले लिया और इसको वी ले लिया, ई टू एक्स एज इट इज, ए का जीरो और बी एक्स का बी, फिर ए प्लस बी एक्स एज इट इज, ई टू एक्स का ई टू एक्स टू, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बी ई टू एक्स, ओके, और इसने मैं लिख देता हूँ दो वाई, क्यों लिखा? अब ये टेक्निक भी धीरे धीरे चलानी पड़ेगी तुम्हें, इस इसकी ये शुरू में वाई दिया हुआ था ना पूरा पूरा, तो इस पूरे को मैंने वाई लिख दिया, ये आ गया हमारा रिलेशन नंबर दो। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, बी ई टू एक्स इंटू टू, और इसका हो जाएगा टू डी वाई बाई डी एक्स, तीन इक्वेशन, दो और तीन का प्रयोग कर लेते हैं, बी ई टू एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितनी आएगी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई, माइनस टू वाई, और इसमें रख दो टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स, आगे तो इसी आंसर आ लिया, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ये दो और दो जुड़ के क्या हो जाएगा, चार चार, दैट्स योर आंसर। कैसे किया फिर देख लो एक बार, y इज इक्वल टू ई टू एक्स ए प्लस बी एक्स था, a और b दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये दिमाग में रहे, इसको u इंटू वी से किया, ई टू एक्स एज इट इज, इसका क्या हो गया जीरो प्लस बी, फिर ए प्लस बी एक्स एक्स एज इट इज, ई टू एक्स का क्या हो जाए ई टी एक्स इंटू टू, लेकिन हमने इसको वापस वाई कर लिया, इससे काफ़ी बीमारियां कट गई, ये टू वाई हो गया, अब रह गया यहाँ बी ई टू एक्स, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो बी ई टू एक्स पूरे की वैल्यू निकाल लो, ताकि ई टू एक्स नीचे ना वगैरह ना जा, हम इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ से निकाली यहाँ रख दी, यू गेट योर आंसर, ठीक है बेटा, ओके सर, हाँ बाकी कल करेंगे और कल हम इसको फिनिश करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आता है।